बड़ी खबर, अभिनेता रणबीर कपूर को ईडी का समन आया है। ईडी ने 6 अक्टूबर को पूछताछ के लिए रणबीर कपूर को बुलाया है। ऑनलाइन गेमिंग केस में रणबीर कपूर को ये समन दिया गया है। की बड़ी खबर आपको बता दें, अभिनेता रणबीर कपूर को ईडी का समन आया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 6 अक्टूबर को उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। ये मामला ऑनलाइन गेमिंग केस से जुड़ा हुआ है। अभिनेता रणबीर कपूर मशहूर फिल्म स्टार हैं। बहुत जल्द उनकी नई फिल्म भी आने वाली है, लेकिन उससे पहले उनके ऊपर संकट के बादल। रणबीर कपूर को ऑनलाइन गेमिंग केस में ईडी ने समन किया है। 6 तारीख को उन्हें पहुंचना है, ईडी के सामने पेश होना है और ऑनलाइन गेमिंग केस में ईडी के सवालों का जवाब देना है। की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, अभिनेता रणबीर कपूर को ईडी का समन आया है और 6 अक्टूबर को उन्हें ईडी के सामने पेश होना है। बड़ी खबर, अभिनेता रणबीर कपूर को ईडी का समन आया है। की लालच में बैटिंग ऐप को तो पहली बार प्रमोट करना नहीं चाहिए। इतनी ज़्यादा ऑनलाइन गेमिंग बैटिंग ऐप हैं जो क्रिकेट को लेकर हैं या फिर अदर पॉकर्स और कार्ड गेम्स को लेकर हैं, जिनमें कि काफ़ी ज़्यादा क्रिकेटर और एक्ट्रेस के द्वारा, यानी एक्टर के द्वारा या क्रिकेटर के द्वारा प्रमोट किया जाता है। करोड़ों रुपये उनको मिलते हैं एंडोर्समेंट के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए, और देश की जनता का हज़ारों लाखों रुपये का नुकसान होता है। लत में कई लोगों ने अपने जीवन तक को गंवाया है, अपनी महंगी या रखी जमा पूंजी तक गंवाई है। तो इसलिए बैटिंग ऐप से तो आप दूर रहें, और इनको जो एडवर्टीजमेंट कहते हैं, प्रचार कहते हैं, वो भी उतने ही पाप के भागीदारी हैं, तो उन्हें भी नहीं करना चाहिए। में धन कमाना सब कुछ नहीं है, क्योंकि धन तो आप सही या गलत तरीके से कमा सकते हैं, लेकिन गलत तरीके से आप जो अर्न करते हैं उसका जो एट द लास्ट रिजल्ट होता है, परिणाम होता है, वो गलत ही होता है। तो इससे आप बचें।